कर्मचारी है ना, ये खाली उंगली करना है, खाली उंगली करना है, खाली उंगली करना है। कौन बोले अभी तक? क्या जानकारी है तुमको? बैठा लो जी, हेलमेट लगा ले। रुको ना, जब हम बात कर रहे हैं पूरी बात करो। धर्म को और इस चीज को राजनीति से दूर रखो, राजनीति से दूर रखो। योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राजनीति से दूर रखो। राजनीति का मुद्दा कहां से आ गया सर? यहां पे राजनीति का मुद्दा कहां से आ रहा है? राजनीति का मुद्दा आप लोग आ रहे हो? रुक जाओ, ये जनता बताई सर, जनता मरे के रखो। राजनीति का मुद्दा तो आप लोग आ रहे हैं, अब मुझे रखने देंगे? अब मैं अपनी बात का इस जाम करने आप अभी रखने का दिया बात लो वो कोर्ट तय करेगी, जितना आएगा 25 लगाए, 20 लगाए, चाहे 10 लगाए, वो तो कोर्ट का फैसला, वो तो बाद में हम देख लेंगे। वो तो FIR होगा, 304 आप कीजिए, वो तो करना होगा। वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो आपको कार्रवाई जिस पर करनी है, जो गाड़ी में ओनर था या फिर गाड़ी को चलाते, वो तो इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगा तब ना हम करेंगे। गाड़ी तो एट द सेम टाइम गाड़ी तो मेरा थाना में लगा हुआ है। गाड़ी में लगाने वाला कौन? थाना में लगा हुआ आप खुद मंगवाए थाना में गाड़ी? आप मंगवाए? पूछिए जो आप मंगवाए। गाड़ी छोड़कर भाग गया था क्या? एक मिनट रुके, रुके, एक मिनट, एक सब शांत रहो, एक मिनट, मेरा नाम क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, घटना स्थल में क्या हुआ है? विस्तार कीजिए, इलेबरेट कीजिए, विस्तार कीजिए, इलेबरेट कीजिए। सबको बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुरंत देना पहुंचे। एक लड़का को देखे हम, गाड़ी को मतलब जो चोट लगा है गाड़ी में बैठा करके लेके जा रहा हूँ, वो हम थे। कौन है? रुको पहले मेरी बात, हम पहले सर बोले कौन है। आखिर जिसको चोट लगा है वो तो हमको पता चलना चाहिए ना, कौन है और वो कौन आदमी उसको लेके जा रहा है। ठीक है, ये हम इसको किए, लेके गया गाड़ी को हम वहाँ से उठवाए, फिर हम उसको सीधा करवा करके थाना में लाकर खड़ा किए। तो अब इसके बाद हम क्या बताइए, जो गाड़ी जिसके द्वारा गाड़ी में वहाँ कोई रहता तब तो? कोई नहीं था, कोई नहीं था तब तक। गाड़ी में कौन था? नहीं था। एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में कौन था हमको ये बताइए? नहीं था। बताओ बाबू, बोलेरो में था? बोलेरो से हम पूरा फेस नहीं देख पाए, लेकिन लोग भाग गया था। अब हम क्या करें? ठीक है, भाग गया। लेकिन अब सुनिए, ये बंदा गया था थाना, आपने क्या बोला? एक मिनट, आप मेरे बात पूरी करने दीजिए। आपने क्या बोला कि गाड़ी नंबर लेके आओ? मतलब गाड़ी आपके पास थाना में, और फिर इससे आप क्वेश्चन करते हैं गाड़ी नंबर? नहीं सर, हम कैसे हो जा रहा है? जनता कुछ भी बोल रही हो, फालतू हो जा रही है। आप लोग नॉइज़ लड़ रहे हो, कुछ फॉलो नहीं करते, जानते नहीं आप लोग। आगे क्या हुआ? एक्सप्लेन कीजिए। आगे 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 आप जो मेरे साथ बात किए थे, आप लोग थाना जा रहे थे डायरेक्ट गाड़ी लेके आप लोग के पास, आप बोले कि आप ही लोग का पांच आदमी हमें कॉल करके बताया है, और आपने एम्बुलेंस को ओवरब्रिज के ऊपर रोक दिया। हम लोग यहाँ रोड जाम करने का पर्पस में नहीं आए थे। बात क्या हो रहा है? पहले इनका जवाब दीजिए सर, इनका सवाल का जवाब दीजिए पहले। जवाब नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं? कैसे नहीं दीजिए? आप एम्बुलेंस को रोके हैं कि नहीं, ये जवाब दीजिए ना। जो पांच आदमी आपको पता है उसका नंबर चाहिए, तब यहाँ से जाम हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। थाना में तुम चलो बात करो, इतना आदमी से बात करेगा? क्या ये तरीका सही है? तरीका तो आपने बनाया, हम तो थाना जा रहे थे, रोका किसने गाड़ी को वहाँ पे? आपने रोका कि हमें रोका, प्रशासन ने रोका? तुम्हारे में सही पांच आदमी बोला है कि सर हम लोग गुंडू चौक जमा कर रोड जाम, आपने कहे कि हम नाम पिछला बार तुम्हारा ही काम किया हुआ था, हमने रोड जाम नहीं किया था, लोगों ने बार भी तुम्हारा ही काम किया हुआ है। हमने नहीं किया, आपने? सुन लो मेरी बात, पूरा जानकारी बता दो, रोड कौन जाम किया था? ठीक है, तुम रह जाओ ना,
साइड कहाँ जाएगा? साइड रोड ब्लॉक रहेगा।
तो हम कहां आपको मना किए एफआईआर करने से आप बताइए एफआईआर करने से कहां मना है उसको कीजिए सर तो कल ही तो बात हो गया था ना कि कल को जब मीटिंग हुआ था उसी टाइम तो बात हो गया था ना कि यहां गाड़ी नहीं घुसना चाहिए किसका मीटिंग हुआ था शांति सुन कहां पे मारना चाहिए क्या चीज का बात हमारा बोलो चोरा लगे क्या बात आप बोल रहे पूरा साफ स्पष्ट बताइए गाड़ी तो थाना में लगा हुआ है आपका जब दोनों गाड़ी थाना में लगा हुआ है तब किस लोग की बात तो हम तो बोल रहे हैं आपको चलिए मेरे साथ अगर यही इश्यू चलिए मेरे साथ हमें तैयार कर देते हैं वही बात है तो ठीक है सर मतलब अभी तक एफआईआर नहीं हुआ एफआईआर दिया आप कैसे बोल रहे हैं कर देते हैं इसका मतलब अभी तक सुनो मेरी बात ठीक है हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था समझाइए चलो हटो जाओ आप लोग सब मिलकर तुम लोग सब मिलकर एक का को वकील रहेगा यहां पे तुम लोग हैं सब मिलकर तुम लोग अलग अलग बात पूछेगा पहले जानकारी है ना जानकारी है ना खाली उंगली करना है कौन बोले अभी तक क्या जानकारी है तुमको बैठा लो जी हेलमेट लगा ले हेलमेट खोलो तो तुम तुमको हेलमेट खोलो खोलो पहले बोलो कौन है बोलना क्या सर अभी क्या बोले नहीं नहीं क्या जानकारी सर अभी क्या बोले क्या जानकारी है तुमको मोबाइल बंद मत तुम लोग जब भी हमको बोलते हैं हम लोग जाएगा रोड जाम करने का चक्कर नहीं आ रहे मैं सही पांच आदमी बोला है भाई तभी हमारे ना वही तो हम लोग जानना चाहते हैं कैसे हम लोग बोले तो गलत हो जा रहे हैं कैसे हो रहा है ऐसा काम करो हम लोग किसी के घर में मातम मान रहा है उसका पूरा परिवार उजड़ गया इसका मतलब क्या होता है कैसे जुलूस मनाएगा हम सबको समझा रहे हैं आपको गलती को एक्सेप्ट करना होगा चलिए ठीक है उसमें कहाँ से कहाँ क्या पता है हम लोग बात नहीं है ठीक है नहीं है ठीक है चूना से सब पैसा फेंकी दे आने रखे नवा देखता हूँ गाड़ी मारी दे लेना सुधे से चार लोगों के पीछे फैसला नहीं चार लोगों के पीछे फैसला होना चाहिए सुधे से सब पैसा फेंकी दे आने रखे अभी अभी जो यहाँ पे इतने जितने पब्लिक आई है अब पब्लिक का अरेंज वीडियो चले था माहौल क्रिएट तो आपने किया सर माहौल क्रिएट तो आपने किया आप इतने लोगों के सामने जितने होगा तो चौपाल हम यहीं पे बैठाएंगे कैसे नहीं चौपाल बैठेगा काम वही तो बोल रहे आगे जितने आपने आपने यहाँ पे आपने जितने सही वीडियो हमारा काम वहाँ पे होता जा रहे थे सब कुछ पता है सब कुछ पता है कर लीजिए कोई फर्क पड़ता है आदमी है हुआ
पर हुआ टुटकी वाला केस, टुटकी वाला केस पर हुआ आपके मुआवजा मिला उसको। सर हमें सर यही नोटिंग किया सर, सर हमें सही नोटिंग किया। वहाँ का बात भी है, लोग सुनवाए थे। हम अपना एक्शन ले लेंगे, हम देखिए सर जी नेसेसिटी तो बाजार पे नहीं है सर, आप अपना समझिए। हम यहाँ पे नहीं आते, दो दिन तक हम आए थे यहाँ पे, दो दिन पे आए थे हम यहाँ पे। गाड़ी एक्सीडेंट कब हुआ परसों को? सर तुमको क्या लगता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे पास सरकार जो है एग्रीमेंट एक्सीडेंट होने के बाद आपकी गाड़ी यहाँ से रात निकल चुकी है। अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं हुआ होगा तो चलिए ना, तो हम आपको जो एविडेंस दे रहा था मुझे क्यों हट रहा है? देख लो आपके पीछे हट रहे हैं, राजनीति और धर्म तो आप लोग उठाते हैं। आप यहाँ किस लिए आए ये बताइए? हम उसको मुआवजा दिलाने के लिए आए। मुआवजा के लिए क्या करना है? मुआवजा के लिए क्या करना पड़ेगा? मुआवजा के सबसे पहले बताते हैं उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। वही बात हो गया, वही बात कैसे हो गया? घुमा के वही आ रहे हैं। आपको जानकारी सर आप बताइए ना, वही तो बता रहे आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? लॉ ऑर्डर का आदमी तो आप लोग हैं, लॉ ऑर्डर का आदमी तो आप लोग हैं, बताइए आप लोग कीजिए ना। आप धमकी दे रहे हैं चाचा, लेकिन आप धमकी दीजिए, आप धमकी दे रहे हैं। नहीं सर आपसे बात नहीं है, इतना बात करने का जितने काम करो तुम लोग करने के तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनती है सर, आप लोग का भी तो जिम्मेदारी बनती है। कर ही नहीं रहे सब काम हम लोग कर रहे हैं, छानबीन कर रहा है आप तो किए नहीं हो। दूसरा गाड़ी कौन एक्सीडेंट किया हम लोग को सपोर्ट कीजिए। पहले 10,000 रुपया जो है ना, सुन लो मेरी बात को आगे, अरे हम भी वही काम कर रहे हैं ठीक है, अरे एक दो एक्सीडेंट नहीं कई एक्सीडेंट देख चुके हैं ठीक है। पहले 10,000 रुपया जो है अंचल के माध्यम से कहीं भी एक्सीडेंट होता था सी युवा को देता था ठीक है, उसको क्या क्या प्रावधान जो है सरकार जो है प्रावधान क्या कर दिया है, 15 दिन का लेता है, सुन लो मेरी बात को, वो 10,000 को 1,00,000 रुपया कर दिया है, 1,00,000 रुपया कर दिया है। जो जान रहा है वही समझ रहे,
क्या करा यार खाली पीछे से हाउ हाउ करेगा वही करवाइए ना अरे आप भी हम क्या बोले गाड़ी का इंश्योरेंस जो कहा गाड़ी का इंश्योरेंस का बिना फीस का वकील बनेगा बात सुलझेगा पहले नहीं आज के डेट में पेपर वर्क से काम होता है कुछ नहीं हो जाएगा चलो क्या हो गया ना राजू होना ही है कौन डिसीजन कहाँ है।